हेलो नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं आपका न्यूज़ चैनल न्यूज़ 24 बाइट। आज हमारी टीम मोतिहारी बापूधाम और न्यूज़ 24 बाइट लेके आ रही है एक ऐसे हस्ती, एक ऐसे शख्सियत की कहानी जिसने अपने सफ़र की शुरुआत बिहार के एक छोटे से शहर मोतिहारी से किया और आज अपना और अपने देश का नाम विदेशों में भी ऊँचा कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हो और हौसलों में उड़ान तो इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी पा सकता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है प्रभाकर शरण। प्रभाकर जो कि आज एक जाने माने डायरेक्टर, एक्टर और ऑस्ट्रेलिया कोस्टारिका यूएमसीए कॉलेज के ऑनर बन चुके हैं। मोतिहारी के रहने वाले प्रभाकर शरण अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ इरादों से सारी कठिनाइयों को पार किया और आज सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। इनकी कहानी हम नौजवानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी हम इन्हीं की जुबानी। आप सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं प्रभाकर शरण बताना चाहूंगा कि मैं कौन हूं। खुशी हो रही है मुझे कि मेरे खुद के मोतिहारी बापू धाम न्यूज़ टीम ने आज मुझसे एक इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट किया है और आई एम वेरी हैप्पी टू डू दैट फॉर देम। सो मैं आज यहाँ अपने खुद के यूनिवर्सिटी से बताना चाहूँगा। उन लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि आप अपनी जर्नी बताएंगे, तो बताना चाहूँगा कि मेरी जर्नी बहुत ही आसान नहीं थी। जैसे हर कोई के जीवन में ऊपर और नीचे यू नो अप एंड डाउन आती हैं, मेरे भी जीवन में बहुत ऐसी ऊपर नीचे आई, लेकिन मैं कभी हिला नहीं, कभी डरा नहीं। मुझे आज भी याद है कि मेरी पढ़ाई मैंने ख़त्म करी थी 10वीं की झारखंड से, उसके बाद पटना आया मैं, पटना में मैंने पढ़ाई की और उसके बाद मैं हरियाणा गया, हरियाणा में मैंने रेसलिंग भी की और पढ़ाई भी की और वहाँ से मुझे मौका मिला कोस्टारिका पहुँचने के लिए, जहाँ मुझे बोला गया था वीज़ा देते वक्त क्या तुम कुछ ऐसा काम करना कि भारत का झंडा वहाँ पर लहर जाए और पूरे भारत का नाम। और मैंने ये कहा था कौंसुलेट जनरल को, मुझे याद है मिस्टर कौन मुनार का, उस समय इंडियन कौंसुलेट होते थे, हमारी एम्बेसी नहीं होती थी, तो मैंने उनको कहा था, उन्होंने कहा तुम दूसरे इंडियन हो वहाँ पे जाने वाले, तो कुछ ऐसा काम करना कि पूरे भारत का नाम रोशन हो। और मैंने उनको कहा था कि जिस दिन मैं पहुँचूँगा तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ मेहनत करूँगा और आपका नाम और पूरे भारत का नाम रोशन करूँगा। और मैंने वही किया। यहाँ पहुँचने के बाद मैंने बहुत ही शिद्दत से अपनी पढ़ाई करी, मेहनत से अपने माँ बाप के और भाइयों के मदद से यहाँ पढ़ाई करी और ऊपर वाले की दया हुई कि जो पढ़ाई मैंने वहाँ की थी, जिस यूनिवर्सिटी में मैंने अपनी पढ़ाई की थी, आज उसी यूनिवर्सिटी का मैं भी एक मालिक हूँ। तो ये बोलना बहुत आसान होता है लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत त्याग होता है, बहुत दम होता है, जो मैंने सब किया। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज अपने मोतिहारी बापू धाम के लिए मैं ये करूँगा। 2003 से 2009 तक मैंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके बाद 2009 से 2011 तक मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कपड़े का डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस किया, उसके बाद मैंने 2011 से 14 तक लाइव शोज़ किए, WWE लाइव शो, मॉन्स्टर जैम लाइव शोज, सब अमेरिकन बिगेस्ट इंटरटेनमेंट शोज़ थी वो मैंने की, डिज्नी ओन शोज़ थी वो मैंने की यहाँ पे। और सब नाम कमाने के बाद जो मेरी बचपन की ख्वाहिश थी एक फिल्म बनाना, मैंने वो फिल्म बनाई। और बहुत खुशी से बताना चाहूँगा कि मैं वो भारत का, अपने बिहार का, अपने झारखंड का, अपने पूरे इंडिया का पहला वो एक्टर हूँ जो स्पेनिश लीड रोल में मैंने काम किया है और लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है और मेरी फिल्म यहाँ सुपरहिट रही। मुझे बहुत खुशी हो रही आज ये बताने में। और मैं चाहूँगा मेरे जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें मैं बिहार, झारखंड और अपने जहाँ अपनी बोली होती है वहाँ के लोगों के साथ जुड़ सकूँ, वहाँ के लोगों के साथ मिल के काम कर सकूँ और जैसे मैंने यहाँ मेहनत की है वहाँ भी मेहनत करूँ और लोगों का नाम ऊँचा करूँ। तो आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत प्यार। इस पूरे बापूधाम टीम को मैं प्यार देना चाहूँगा, इस पूरे बापूधाम न्यूज़ टीम को मैं प्यार देना चाहूँगा जो मेरा ये मैसेज पहुँचा रहे हैं। मेरे लिए छोटे से छोटा मैसेज भी बहुत बड़ा साबित होता है, आप सबका प्यार है। और मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ भारत अपनी फिल्म को रिलीज़ करने के लिए जो एक चोर दो मस्ती खोर है। चाहूँगा कि आप सब मुझे अपना आशीर्वाद दें और अपना प्यार दें, मैं ऐसे ही भारत का नाम और आप सबका नाम ऊंचा करना चाहूँगा। इफ़ आई एम गोइंग टू इंस्पायर जस्ट वन पर्सन, आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन माई लाइफ।
So that's my desire. I want to make people strong. I want to make people believe in themselves. And I want to make people think that nobody is bigger than them. Only God is the biggest. And then everybody is same. Everybody is equal. Believe in yourself. Make your country proud. Make yourself proud. And do what you feel the best for you and for your family and for your country. Thank you very much. Jai Hind, Prabhakar Sharan from Costa Rica.